मदिया इफ्तिखार विद 7up Simple Bites. आज मैं आपको क्विक, इजी और हेल्दी और सिंपल रेसिपी बताने लगी हूँ. जब भी मेरे घर में अचानक कोई फ्रेंड्स आ जाएं या गेस्ट्स आ जाएं तो मैं यही रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि ये क्विक भी है, हेल्दी भी है और सिंपल भी, जस्ट लाइक माई 7up. नो कलर, नो कैफीन. तो आइए चलते हैं अपनी सिंपल सी रेसिपी की तरफ. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे. हमारे पास इस वक्त मौजूद है सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, शहद जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बारबेक्यू सॉस, इमली और नमक. साथ में वेजिटेबल्स भी हैं. और ये हमारे पास है 125 ग्राम चिकन. ऑयल है जो कि हम बहुत थोड़ा यूज़ करेंगे, इतना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑयल यूज़ हुआ भी है कि नहीं. और साथ में हमारे पास है 7up. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे. अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप दो चम्मच भी ले सकते हैं, वरना एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस, शहद आप इसमें डालेंगे आधा चम्मच, बारबेक्यू सॉस क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस डिश का नाम भी यही है, चिकन इन विद बारबेक्यू सॉस, ये हम लेंगे एक चम्मच. इमली बहुत लोगों को पसंद होती है, खट्टी मीठी, और इसके लिए तो बहुत ही मज़ेदार है. और नमक हसबे ज़ौक. अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे कि एक एक पीस के अंदर मसाला जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जब आप लोग खाएं तो आपको मज़ा भी आए. अब ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको स्क्यू करेंगे. एक एक स्टिक में आप ये चिकन स्क्यू करेंगे. आप चाहें तो ये भी इसके साथ लगा सकते हैं. अब मैरिनेशन के बाद हम इसे एक एक पीस को स्क्यू करेंगे. ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, सिंपल भी है, क्विक भी है, हेल्दी भी है और मज़े की भी है. मेरी तो बहुत फेवरेट है क्योंकि इसमें बारबेक्यू है और बारबेक्यू बहुत फेवरेट है मेरा, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको ऐसी ही कोई रेसिपी सिखाई जाए जिसे आप इंजॉय कर सकें घर में, वो भी जल्दी से. अब हम इसको हल्का सा ग्रिल करेंगे बहुत थोड़े से ऑयल के साथ. आप एक टेबलस्पून सिर्फ ऑयल लें और उसे इस पर अब हम इसको इसमें रखेंगे. इसको 2 से 3 मिनट के लिए ग्रिल करें. मैंने चूल्हा बंद कर दिया. मेरा चिकन विद बारबेक्यू सॉस तैयार हो चुका है. इसको हम सर्व करेंगे इस तरह. और ये कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने ग्रिल कर ली थी, ये आपके सामने हैं. इसको भी हम सर्व कर सकते हैं इसके साथ. जब इतनी हेल्दी डिश हो तो उसके साथ हम रूल कैसे भूल सकते हैं. इसको मैं पेश करूँगी 7up के साथ. सिंपल जी, 7up भी.